अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट वन बायोलॉजी के अंदर, हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर सेकंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। और इसके अंदर जो हम आज पढ़ेंगे टॉपिक, इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है हमने डील किया था कार्बोहाइड्रेट्स को, जिसके अंदर हमने उसका इंट्रो किया था कि उसको डिफाइन कैसे करते हैं, उसका फार्मूला क्या है, तो वो हमने डील किया था। आज का हमारा टॉपिक है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी डिवीजन कैसे करेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। सबसे पहली बात ये आपने याद रखनी है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं सैकराइड्स। ये आपने याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हम इन्हें बोलते हैं सैकराइड। सैकराइड क्यों बोलते हैं, ये वर्ड निकला है सैकारोन से, और सैकारोन है इसका मतलब होता है ग्लूकोज, स्वीट इन टेस्ट, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि आपके पास जो है शुगर्स का वर्ड इनके लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो सैकारोन का वर्ड है इसका मतलब होता है शुगर, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं सैकारोन, या इनको सैकराइड बोलते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। फिर इसके बाद जो आपके डिवीजन है, आपने याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो हमने मोनो, ओलिगो और पॉली कहा है, ये हमारे पास शुगर्स के यूनिट हैं। अगर शुगर आपके पास वन वन यूनिट है, यानी कि एक ग्लूकोज का मालिक्यूल, एक फ्रुक्टोज का मालिक्यूल, तो बोलते हैं मोनोसैकेराइड। अगर कंबाइंड फॉर्म में है, दो से लेके सात आठ नौ अगर आपके पास जो मोनोसैकेराइड हैं वो जुड़े हुए हैं तो बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। और अगर उससे भी ज्यादा चले गए हैं, बहुत ज्यादा हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कंबाइन करेंगे तो बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। इसका मतलब है कि ये जो हमने डिवीजन की है, ये हमने की है कि कितने यूनिट्स जो हैं वो उनके अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे विद द मोनोसैकेराइड। तो यहां आ जाएंगे, जैसे आपको हेडिंग दिख रही है तो यहां मैंने लिखा है मोनोसैकेराइड्स, तो यहां मैंने ड्रॉ भी किया है। तो सबसे पहली बात आपने याद रखनी है, मैंने आपको बताया अभी कि जो मोनोसैकेराइड हैं और जो ओलिगोसैकेराइड हैं और जो पॉलीसैकेराइड हैं, तीनों में से कौन से वाले हैं जो आपको लग रहा है कि वो सिंपल हैं। तो जाहिर है कि मोनोसैकेराइड, क्योंकि इसके अंदर एक एक यूनिट इन्वॉल्व था। तो आपने याद रखना है कि जो मोनोसैकेराइड हैं ये क्या होते हैं, ये सिंपल शुगर्स हैं, ये स्वीट इन टेस्ट हैं, जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। तो मैंने कहा कि एक ग्लूकोज, एक राइबोज, एक फ्रक्टोज, तो ये स्वीट इन टेस्ट हैं, ये सबसे ज़्यादा सिंपल शुगर्स हैं। और आप जानते हैं ग्लूकोज जो है ये पानी के अंदर हल हो जाता है, तो ये सोलबल इन वाटर। तो आपने याद रखना है कि जो मोनोसैकेराइड है इनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, तो ये स्वीट इन टेस्ट हैं, सिंपल शुगर्स हैं, दे आर सोलबल इन वाटर। और आपने याद रखना है कि जो पॉलीसैकेराइड हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा मोनो शामिल है, तो पॉली को भी हाइड्रोलाइज करना पॉसिबल है, ब्रेक करना पॉसिबल है। जो ओलिगो हैं उनको भी ब्रेक करना पॉसिबल है, किन को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, मोनोसैकेराइड को। तो मोनोसैकेराइड से नीचे कोई आपके पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो ये डिवीजन आपके पास फर्स्ट डिवीजन है मोनोसैकेराइड। तो मैंने यहां लिखा है कि कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, तो इनको और नहीं तोड़ सकते, इनको और छोटे कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, तो पहले हम यहां पे आएंगे। तो यहां आपको दिख रहा है जो मैंने मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है, तो यहां मैंने ड्रॉ किए हैं पांच कार्बन है, तो 1 2 3 4 5। तो आपको यहां पर दिख रहे हैं कि ये पांच कार्बन है, तो यहां नंबरिंग कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा याद रहे। तो आपको यहां पर दिख रहे हैं पांच कार्बन, और आपने गौर किया होगा कि पांच में से ना हर कार्बन के पास हाइड्रोक्सल ग्रुप है। भला किसको निकाल के, इस कार्बन के अलावा सबके पास क्या दिख रहा है, OH, OH है, OH है, OH है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि पांचों आपने याद रख रहे हैं मोनोसैकेराइड के अंदर सारे जो आपके पास कार्बन है, हर एक के पास OH है सिवाय एक कार्बन के, वो मैंने यहां लिखा है। तो इन मोनोसैकेराइड All the carbon atoms, जो सारे कार्बन एटम हैं, इन मोनोसैकेराइड उनके पास क्या होगा, उनके पास होगा OH ग्रुप। कितने को निकाल के, सिर्फ एक्सेप्ट वन कार्बन, ये मैंने यहां लिखा है।
जो आपको दिख रहा है इसके अंदर स्ट्रक्चर वही मैंने यहाँ लिख दिया है कि ऑल द कार्बन एटम्स हैव OH ग्रुप एक्सेप्ट वन कार्बन, वही यहाँ लिखा है ऑल कार्बन एटम्स इन मोनोसैकेराइड हैव OH ग्रुप एक्सेप्ट वन कार्बन। अब क्वेश्चन है कि वो जो कार्बन है वो किसके साथ अटैच है, अगर उसके साथ OH नहीं है तो उसमें क्या अटैच है, तो आप जानते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है उसमें अटैच है एल्डिहाइड। तो मैं कहना चाहता हूं कि वो जो कार्बन है, वो जो एक कार्बन है, दैट कार्बन इज मे बी अ पार्ट ऑफ एल्डो ग्रुप, याद रखना है आपने कि या वो एल्डिहाइड के साथ अटैच है या वो कीटो के साथ, कीटोन ग्रुप के साथ अटैच है। तो आपने याद रखना है अगर उस कार्बन के साथ जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है तो ऐसे शुगर को बोल देते हैं एल्डो शुगर, और अगर उस कार्बन के साथ अटैच है, कीटोन ग्रुप अटैच है, तो क्या बोल देते हैं, कीटो शुगर। तो ये आपको डिफरेंस आता है बोर्ड में कि डिफरेंस बिटवीन एल्डो शुगर एंड कीटो शुगर। तो आपने याद रखना है कि अगर उसके पास जो है वो एल्डिहाइड, अगर वो एक कार्बन जो है जिसके पास OH नहीं है, अगर वो अटैच है एल्डिहाइड के साथ, जैसे ये जो है वो एल्डो शुगर है या कीटो शुगर है, तो आप जानते हैं कि ये एल्डो शुगर है क्योंकि इसके अंदर जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप शामिल है। ठीक है, हमारा ये पॉइंट भी कवर हो गया है और ये वाला भी हमें समझ लग गई, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है कि नेचर के अंदर जो है ना वो कौन से आपको जो कितने नंबर के आपको मिलते हैं मोनोसैकेराइड, मैंने यहां लिखा है तो 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक। तो 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक नेचर के अंदर जो है आपको क्या मिलते हैं मोनोसैकेराइड। अब इनके नाम रखे हैं हमने, तो 3 वाले का नाम क्या होगा, ट्राइओज, ये आपको आता है आसान पॉइंट है, ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। अगर हम देखें कि इस साइड डिवीजन में से जो ये मॉलिक्यूल है जो मैंने ये ड्रॉ किया है ये पेंटोज है, आपको दिख रहा है कि इसमें 5 कार्बन है, तो ये पेंटोज शुगर, इसका नाम क्या है भला, इसका नाम है राइबोज। तो आप याद रखिएगा, तो जो राइबोज है वो एक पेंटोज शुगर है। तो मैंने वापस यहां पे आ जाएंगे अब, तो हमें आइडिया हो गया ट्राइओज, चैप्टर नंबर 11 के अंदर आपको आइडिया होगा कि जो ट्राइओज़ेस होते हैं ये रेस्पिरेशन में काम आते हैं, ये काम करते हैं एज अ इंटरमीडिएट। ये जो टेट्रोज हैं ये थोड़ा सा रेयर है नेचर में, बैक्टीरिया के अंदर मिलेंगे आपको। ये जो पेंटोज है, ये जो राइबोज है आपने पढ़ा होगा, ये न्यूक्लिक एसिड में होती है, डीएनए आरएनए के अंदर, न्यूक्लियोटाइड के अंदर होती है। ये हेक्सोज है, जैसे कि ग्लूकोज हेक्सोज है, तो वो आपके पास रेस्पिरेशन में क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये हमने बेसिक इंट्रो किया है मोनोसैकेराइड का, तो हमने पहले पढ़ी है प्रॉपर्टीज, फिर हमने देखा है नेचर के अंदर कैसे मिलेंगे। अब जाएंगे बिल्कुल राइट साइड पे, बोर्ड में जाएंगे तो बिल्कुल टॉप पे आपको दिख रहा है कि फ्री स्टेट में ग्लूकोज कहाँ है। तो यहां हमने लिखा है फ्री स्टेट में, यानी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके अंदर जो ग्लूकोज है ना वो कंबाइंड नहीं है बल्कि रेडीमेड है, अकेला है, फ्री स्टेट में है। तो मैंने लिखा है ग्लूकोज जो है ना फ्री स्टेट के अंदर आपको मिलेगा फ्रूट्स में, आपको मिलेगा इंजीन में, फिग्स में और डेट्स के अंदर। तो ये इन ऑल फ्रूट्स के अंदर जो ग्लूकोज है फ्री स्टेट में होता है। अब फौरन से क्वेश्चंस इनमें आ गया कि अगर फ्री स्टेट में इनके अंदर है तो कंबाइंड में किसके अंदर होगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डाइसैकेराइड यानी ओलिगोसैकेराइड के अंदर भी कंबाइंड है, पॉलीसैकेराइड के अंदर भी कंबाइंड है, जैसे स्टार्च के अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर, सेलुलोज के अंदर, इन सब के अंदर ही कंबाइंड फॉर्म में है, अकेला अकेला नहीं होता। फिर मैंने आगे लिखा है कि जो ब्लड है, ह्यूमन ब्लड है, उसके अंदर 0.08% जो है वो ग्लूकोज आपको मिलेगा ब्लड के अंदर, ये भी हमें पता लग गई, आपका मल्टीपल चॉइस है। इस बात के साथ हमने क्या देखना है, अब आज का जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो यहाँ पर ये है कि नेचर के अंदर ग्लूकोज तैयार कैसे होगा, कहाँ से मिलेगा, या जो मोनोसैकेराइड हैं वो कहाँ से मिलेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनका जो आपके पास उनके जो अक्रेंस है, उनका जो सोर्स है वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो नेचुरली ग्लूकोज है ना वो कैसे बनेगा भला, नेचुरली जो ग्लूकोज है ना वो बनेगा फोटोसिंथेसिस से, मैंने यहाँ लिख दिया। अब अपने याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस का मतलब ये है कि सनलाइट के जरिए कुछ तैयार करना है, सनलाइट के जरिए ग्लूकोज तैयार करना है। तो मैंने यहां लिखा है कि 10 ग्राम ग्लूकोज तैयार करने के लिए जो प्लांट होते हैं ना 717.6 किलो कैलोरी जो है ना वो सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। तो आपको आइडिया हो रहा है कि 10 ग्राम ग्लूकोज तैयार करने के लिए इतनी ज्यादा जो है वो लाइट लग रही है, लाइट एनर्जी लग रही है, तो हम इसलिए क्या बोलते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस, लाइट के जरिए तैयार करना, क्योंकि आपको आइडिया हो गया कि ग्लूकोज 10 ग्राम तैयार करने के लिए आप प्लांट
प्लांट जो है वो इतनी ज्यादा एनर्जी जो है वो सूरज की इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी हमने क्या बोल दिया इसको, हमने इसको बोल दिया है फोटोसिंथेसिस। तो आज हमने क्या सीखा है, आज का हमारा टॉपिक जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, उसके अंदर था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो पहले मैंने आपको ये सिखाया कि हम इसे सैकेराइड क्यों बोलते हैं, फिर हमने सीखा कि मोनोसैकेराइड है, ओलिगो है, पॉलीसैकेराइड है, और फिर हमने आज शुरू किया था विद द मोनोसैकेराइड, हमने प्रॉपर्टीज को डील किया, फिर हमने सीखा कि नेचर के अंदर जो है वो कैसे मिलते हैं, आपको कितना नंबर मिलता है, फिर हमने लास्ट पे देखा था कि वो जो नेचुरली कैसे मिलेंगे, फ्री स्टेट में कैसे हैं, कंबाइंड स्टेट में कैसे हैं। दैट वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।